अब देखते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। अभी हमने लिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन में देखा रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से रिलेट कर लें। अब रिलैक्सेशन टाइम है क्या? एक्चुअली इट इज़ एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू कोलाइजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन आपस में मूव करते हैं तो आपस में वो टक्कर करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण उनकी स्पीड में भी अंतर आता है। तो जो कंटिन्यू दो कोलिजन होते हैं, उन दो कंटिन्यू कोलिजन के बीच के जो टाइम होते हैं, उतने में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हम मान सकते हैं उसको रिलैक्स, तो उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कि दो कंटिन्यू कोलिजन के बीच के एवरेज टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ये कितना होता है, इसका ऑर्डर होता है 10^-14 सेकेंड। मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो टक्कर होती है वो हर कितने सेकेंड बाद होती है, अप्रोक्सीमेटली 10^-14 सेकेंड के बाद। अब रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो टोटली डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ मेटल पर। मतलब कि ये टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स में टक्करों की तेज़ी होने लगती है। कोलिजन बहुत फास्ट रेट से होता है, जल्दी जल्दी टकराते हैं। तो जब वो जल्दी जल्दी टकराएंगे तो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, ज़्यादा एनर्जी दोगे, ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे मतलब कि उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम। नेक्स्ट है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, इसे हम लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं। ये क्या है, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड इन रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कि दो टक्करों के बीच जो डिस्टेंस कवर की जाती है, उस एवरेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, दैट इज एवरेज डिस्टेंस कवर्ड इन रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू थर्मल वेलोसिटी इनटू रिलैक्सेशन टाइम।